हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे जेमिनी 2020 का डिस्कशन करेंगे मैथ्स का। ये 2 सितंबर का है, 5th में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मदर का रैंक पूछा गया है, तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बस बात है कि इसको अल्फाबेटिकली आप किस तरह से स्ट्रेट करते हैं। तो मदर का आपको रैंक निकालना है, जैसा कि आप पढ़े होंगे ये परमुटेशन कम्बिनेशन का है। तो सबसे पहले इसको हम दो चीज़ से बनाएंगे, पहला तो हम इसको थोड़ा एक ट्रिक से बनाएंगे और बाकी एक नॉर्मल मेथड है, दोनों हम बता देते हैं। पहला मेथड है, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मल मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले MOTHER। अब हम इसको देखेंगे इसमें अल्फ़ाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा कौन, फर्स्ट, दूसरा आएगा आपका ये, तीसरा आपका आ जाएगा इसमें एच, एच के बाद फिर आ जाएगा ये 3, फिर फोर्थ नंबर में आ जाएगा आपका ओ, फिफ्थ में आ जाएगा आर, लास्ट में आ जाएगा 6 में ये। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये हम क्या किए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए कि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देख इसमें, अब ये देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है क्योंकि ये सब एग्जाम में ट्रिक ही काम करता है। और एक तो नॉर्मल मेथड है, आप इस तरीके से बनाइए, पहले इसको A1 कितना है, 6, 1 2 3 4 5 है। अब नॉर्मल मेथड ये इधर बता देते हैं और ट्रिक वाला हम इधर बता रहे हैं। नॉर्मल मेथड है कि पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है ई, सेकंड क्या है एच, थर्ड क्या है एम, फोर्थ है आपका ओ, फिफ्थ है आपका आर, असेवन। तो इस तरीके से पहला को ई को फिक्स कर लीजिए, बाकी सब का सजाने का तरीका फैक्टोरियल 5, इस तरीके से आप बढ़ते जाइए, ये आपका नॉर्मल मेथड है। और एक बार जब फिक्स हो जाए, अब ये फिक्स हो गया तो ये नहीं चाहिए आपको, ये देखना है कि आपको मदर कैसे बन जाए, मदर वर्ड आपको बन जाना चाहिए। तो इसके लिए पहला ई, फिर उसके बाद एच आएगा, तो एच के लिए भी फैक्टोरियल 5, उसके बाद एम आएगा, तो एम जब आ गया तो एम आपका हो जाएगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो एम फिक्स हो गया, उसके बाद क्या होगा, फिर ई आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। बाकी हम ट्रिक से इसको देखते हैं। तो पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, अब ध्यान से देखेंगे कि 3 से छोटा राइट साइड में कितना कितना है। तो 3 से छोटा 2 है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 2, इसके नीचे लिख देंगे 2, इससे 2 छोटा है। 4 है, तो इससे छोटा अगर आपको देखना है तो इसके इससे छोटा 2 है, 1 है, तो यहाँ पे हर समय राइट साइड से शुरू करते हैं। तो यह देखिए, इससे इस राइट साइड में देखेंगे तो इससे 2, फिर इससे भी आपका 2 आएगा, फिर 5 से भी आपका यहाँ 2 आएगा, एग्जैक्टली 1 से 0 आ जाएगा, और बस 5 से इसके राइट साइड कुछ है ही नहीं, तो इसका 0, और 1 से, क्योंकि 1 सबसे कम है, उसके राइट साइड से उससे कम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम ट्रिक से कब बनाते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा दीजिए, उसके बाद ये देखिए जैसे 3 है, तो अब ये राइट साइड इससे छोटा क्या है, इससे छोटा 2 है, 1 है, 2 छोटा है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अब देखिए 4 है, तो 4 से छोटा कौन कौन है, तो 4 से छोटा 6 5 होगा, नहीं तो 1 2 होगा, यानी 2 लिख लिए। अब फिर हम देखेंगे, अब टी का देखेंगे, तो टी से छोटा 6 है, तो इससे छोटा 2 है, 1 है, तो इसके लिए भी हम 2 लिख लीजिए। अब बाकी ई के लिए 0, क्योंकि इससे छोटा कुछ है ही नहीं, अब 5 से इसके राइट साइड कुछ है ही नहीं, हर समय राइट साइड देखना। उसके बाद सिंपली है, इधर से आप कीजिए, इसको इस साइड से, इसको इस साइड से, 0 फैक्टोरियल इस साइड से आप कीजिए। आइए देख रहे थे मदर को रैंक में, तो रैंक का ट्रिक था कि ये पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, सबसे पहला आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए किसका क्या पोजीशन है, पोजीशन देख लीजिए, और उसके राइट साइड उससे छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 और 1 है, तो 2 लिख लिए, 4 से छोटा उसके राइट साइड, हमेशा राइट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, तो ध्यान से देखिए इससे छोटा 2 और 1 है, तो लिख लिए। अब फिर देखिए टी, टी से छोटा कौन होगा, टी से छोटा आप ध्यान से देखिए
टी से छोटा इस राइट साइड में टू भी होगा, वन भी होगा, थ्री, तो ये आपका थ्री हो जाएगा। एग्जैक्टली एच देखिए, एच एच से छोटा एग्जैक्टली यहाँ वन होगा, एग्जैक्टली वन, और बाकी देखिए इससे छोटा जीरो। सिंपल सा बात है कि पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में, अब फिर आप ये देखिए कि इससे छोटा इधर कितना पोजीशन है। तो देखिए एम से छोटा टू और वन है, दो पोजीशन है तो दो लिख दिए, दो नंबर ऐसा है। फोर से छोटा, फोर से छोटा टू वन दो ही है तो दो लिख दिए, और टी से छोटा इधर थ्री है, वन टू थ्री तीनों छोटा है, और एच से छोटा मात्र एक ही है बस वो ई है। और देखिए आर के राइट साइड कुछ है ही नहीं, तो यहाँ नहीं है तो जीरो, ई के राइट मतलब राइट साइड उससे छोटा कोई है ही नहीं। यही अगर रिपीटेशन होता, इसमें वैसे रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन होता मतलब अगर कोई वर्ड अगर रिपीट करता है तो उसको फैक्टोरियल बाय टू लिखते हैं, उस समय उसको जैसे जब रिपीट करते हैं तो उसको एज ए सिंग याद रखिएगा। जैसे इसमें अगर कोई रिपीटिंग रहता, छोड़िए रिपीटिंग नहीं है तो रिपीटिंग वाला हम बाद में बताएंगे, यहाँ जो है सिंपली उसको हम काम करेंगे। अब सिंपल सा बात है, अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लिए, समझ के खेल हो गया। जीरो जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, ये हम काम कर लेते हैं। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा लिए, उसके बाद क्या किए, एम से छोटा दो नंबर था, ओ से छोटा जी राइट साइड दो, टी से छोटा तीन था, एच से छोटा मात्र एक नंबर था, और बाकी फिर ई से छोटा कोई था ही नहीं तो उसको जीरो लिखे, एफ से छोटा आर के राइट साइड को है ही नहीं तो ये, और उसके बाद क्या किए, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव। अब इसका सम करके लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस वन करते हैं, क्योंकि इससे ध्यान से अब क्या कर देंगे, फाइव फैक्टोरियल इंटू टू प्लस फोर फैक्टोरियल इंटू टू प्लस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री प्लस टू फैक्टोरियल इंटू वन यू विल गेट। और याद रखिएगा ये आपका एग्जैक्ट उससे एक पहले का पोजीशन है, और इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए इसका क्या हो जाता है, इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल हो जाता है 120 इंटू 240, ये आपका 24 48 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 18 प्लस 2, ये आया आपका एग्जैक्ट जो आए उसमें आप क्या कीजिएगा प्लस 1 लास्ट में कर देना है। तो पहले देख लेते हैं, ये 18 ये 20 हो जाएगा, 240 प्लस 48 प्लस 20 यू विल गेट 8 प्लस 2 10, ये आया एग्जैक्ट उससे एक पहले का, उसके बाद हम प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 309। दिस इज द रैंक ऑफ मदर, कितना ट्रिक है। अब इसको पूरा लंबा मेथड बनाइएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो ये हम इसमें हम यूज किए ट्रिक, सुपर ट्रिक, मतलब इससे प्रॉब्लम बहुत कम समय में बन जाता है। तो फिर देखते हैं मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको इसमें एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये आपका आपका इक्वेशन दे दिया है इलिप्स का, और ये आपका मोड में दिया हुआ है, और आपको ये एरिया निकालना है। तो पहले एरिया निकालने के लिए पहले तो इसका हमको ग्राफ पता करना पड़ेगा इसका, जैसा कि आपको दिया गया है इलिप्स जो है वाई में, वाई उसका मेजर एक्सिस होगा, तो ये आपका इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा जिसमें मेजर बनेगा वाई, ये आपका हो गया वाई, ये मेजर बना तो इसका क्या हो जाएगा, ये थ्री ये भी थ्री और ये टू ये टू, आपको क्या निकालना है एरिया जो इससे इससे अंदर और इसका ग्राफ, सिक्स से अगर डिवाइड करते तो मॉड एक्स बाई टू प्लस मॉड वाई बाई थ्री दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन,
ये आपका है मोड का ग्राफ। तो मोड का जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स जब जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड वाई बराबर मोड वाई इज ग्रेटर देन थ्री। यहाँ से मोड वाई का वैल्यू आगे, वाई का वैल्यू क्या आया थ्री। तो ध्यान से देखिए एग्जैक्टली ऐसा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, जब एक्स जीरो करेंगे वाई जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा ये। तो देखिए आपको दो पॉइंट आ गया, ये ध्यान से देखिए ये आपका आ गया, हाँ एरिया आपको निकालना है। ध्यान से देखिए इससे छोटा मतलब इससे अंदर और इससे बड़ा, इससे बड़ा यानी इससे बड़ा, ध्यान से देखिए इससे छोटा और इससे बड़ा, तो ये वाला एरिया पड़ जाता है आपको। ऐसे चारों साइड में पड़ जाएगा ये कुछ ऐसा पड़ेगा, यानी इससे छोटा, इससे छोटा ये इलिप्स से छोटा, तो इलिप्स से अंदर आप, लेकिन इससे बाहर यानी कि इससे ये वाला लाइन से ऊपर, ये वाला लाइन से नीचे, यानी ध्यान से देखिए इससे ऊपर एरो, यानी कि ये आपको एरिया निकल गया। ध्यान से एक बार एरिया निकाल लीजिए, फोर टाइम्स कर दीजिए आगे आंसर। तो ध्यान से ये एरिया अगर आपको निकालना है, इसका दो मेथड बताएंगे, एक इसका नॉर्मल मेथड और दूसरा हम फिर बताएंगे इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे। ध्यान से देखिए इसमें अगर ये एरिया आपको निकालना है तो ध्यान से यहाँ से आप कर दीजिए, ये बड़ा है, ध्यान से देखिए एक्स में जीरो से टू वाई डी एक्स, इसका वाई जो होगा वाई यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका, अगर वाई यहाँ से आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका वाई का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर इंटू नाइन के रूट ओवर, ये आपका आ जाएगा यहाँ से y dx माइनस y2 माइनस y1। यहाँ से आपको अगर y2 चाहिए तो ये आ जाएगा वन माइनस मॉड x बाई टू इंटू थ्री, इसका आपको क्या निकालना है, dx निकालना है, जीरो से इंटीग्रेशन करना है जीरो से टू तक। तो ध्यान से देखिए ये बहुत इजी हो जाता है, कब ध्यान से इसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं, तो इसको हम करेंगे क्या लिखेंगे, इसका पहले कर देते हैं, इसका हो जाएगा आपका फोर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ये आपका फोर और थ्री, यहाँ से थ्री बाई टू बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है कहाँ जीरो से टू डी एक्स, माइनस दूसरा इंटीग्रेट करना है, यहाँ से आ जाएगा आपका टू माइनस मॉड एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका थ्री बाई टू, ये भी थ्री बाई टू आपका बाहर आ जाएगा, ये भी आपका थ्री बाई टू, यहाँ से आ जाएगा टू माइनस एक्स, और इसका क्या करना है डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से टू। तो ध्यान से देखिए थ्री बाई टू दोनों में कॉमन है, तो थ्री बाई टू आप बाहर ले सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा बात है, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से टू में, इंटीग्रेशन इसका जीरो से टू में आ जाएगा आपका, थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म में उसको बाहर रख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू है x इंटू रूट अंडर फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर क्या है फोर, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ टू हो जाएगा, ए आपका जीरो से टू, ये आपका इसका इंटीग्रेशन, और थ्री बाई टू इसका बाहर है, थ्री बाई टू पार्ट एग्जैक्टली इसका भी थ्री बाई टू पार्ट बाहर है, और आपको इंटीग्रेट करना है जीरो से टू टू माइनस मॉड एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका आप डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस थ्री बाई टू
अब इसमें इसमें डायरेक्ट 2x का क्या हो जाएगा, इसका तो डायरेक्ट 2x हो जाएगा, यहाँ पर आप इसमें लगा दीजिए 0 से 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मॉड x का, 0 से 2 में मॉड x x खुलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, x dx इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, यहाँ 3/2 हो जाएगा 0 से 2, ये आप काफ़ी इजी हो गया। इसमें अपर लिमिट पुट कर, 3/2 सब में कॉमन है तो इसको 3/2 बाहर ही रख देते हैं, कहीं भी हम 3/2 नहीं रखेंगे, तो 3/2 छोड़ के आप कहिएगा अपर लिमिट 2, तो ये वाला 0, ये वाला 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा, और जब 2 तो साइन इनवर्स यहाँ से पाई बाई 2 टाइम्स पाई बाई 2, क्योंकि 2, और जब हम 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 और ऑफकोर्स ये वाला टर्म 0, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ जाता है, पाई सिर्फ आ गया। आगे हम देख लेते हैं, ये सिर्फ इसका है, और फिर इसका करेंगे निगेटिव, इसका किए तो ये आया माइनस 3/2, सब कांस्टेंट टर्म था उसको हम बाहर कर लिए, यहाँ से आपका आ जाएगा इसका 2x है, 2x है 0 से 2, और इसका है आपका x स्क्वायर बाई 2 0 से 2, 3/2 को सब में बाहर कर लिए हैं, यहाँ से ये माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ से तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये पाई, और यहाँ से आ जाएगा जब अपर लिमिट रखेंगे तो 4, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, फिर यहाँ भी हम अपर लिमिट रखेंगे तो 2 स्क्वायर, तो 2, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ गया आपका, तो यहाँ से आ गया पाई माइनस 2, और आगे क्या इंतजार कर रहा था 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। हाँ, तो ये हम एक रीजन का निकालें, और टोटल रीजन का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 2 टाइम्स आ गया, यहाँ से आ जाएगा 6π-6, यहाँ से आ गया 6π-6 इसका एरिया। हाँ, ये आ गया इसका, तो यहाँ से लास्ट में 3 यहाँ से आ जाएगा पाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ गया 6π, और यहाँ से 2 6, ये आपका 12 आ गया, यानी कि ये आपका आंसर है, यही आपका पूरा एरिया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से आपका आ गया था पाई माइनस टू, 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म सब में था, तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इसी को हम 4 टाइम्स कर दिए, तो क्या आ गया 6π-12। और आप इसको एक तरीके से डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ये तो आपको पूरा लंबा मेथड है, अब इसको आप डायरेक्टली बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान से देखिए, एक तो हम एरिया वाला मेथड लगाए, अब ये ध्यान से देखिए, ये पूरा इसमें जो एरिया होता है, और ये पूरा एरिया में अगर हम इस ट्रेंगल का एरिया घटा दें तो भी तो यही एरिया निकलेगा, तो पहले हम ट्रेंगल का पाई ए बी करके हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, और उसका 4 करके हम 4 टाइम्स कर देंगे, और ये एरिया पहले हम निकाल लेते हैं, ये ट्रेंगल का अगर एरिया निकालना हो तो आ जाएगा हाफ बेस इसका हो जाएगा आपका 2, हाइट हो जाएगा 3, तो इसका आपका आ जाएगा, इसका एरिया 3 हो जाएगा। तो देखिए टोटल एरिया में ऐसे ऐसे हम चारों एरिया हम घटा देंगे, तो टोटल एरिया इसका क्या होता था पाई ए बी इसका टोटल एरिया है, तो पाई ए बी, ए क्या है इसमें 2, बी क्या है इसमें 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6π इसका टोटल एरिया है, और ये टोटल एरिया में हम क्या करेंगे, इस ये 4 ट्रेंगल का एरिया अगर घटा देंगे, टोटल एरिया में अगर हम 4 ट्रेंगल का एरिया घटा देंगे तो बचेगा यही वाला पार्ट में, तो ध्यान से देखिए ये टोटल एरिया है ये, और उसमें ये 4 ट्रेंगल का एरिया, ये वाला समझिए कि एक पार्ट में, एक इतना पार्ट में हम ये ट्रेंगल घटा दिए तो ये आया, यही हम काम 4 में करेंगे, तो टोटल एरिया इसका है 6π πab, किसी भी इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी से 6π आ गया। ध्यान से देखिए एक का 3 है,
तो 4 का कितना हो जाएगा इंटू 4, सो यू विल गेट 6 पाई माइनस 12। डायरेक्टली आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ये कभी कभी लगता है, वरना आपको पूरा लंबा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव टर्म ऑफ ए जीपी इज एस, फाइंड देयर प्रोडक्ट इज 27, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एस। यानी तीन कंसेक्यूटिव जीपी है, तो इसमें ट्रिक है कि 1/r लीजिए, फिर दूसरा r a हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा ar। इसमें ये तीन कंसेक्यूटिव हम जीपी लिए हैं, इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 27 a इंटू आर इंटू ए इंटू ए आर, दैट इज 27। यू विल गेट द ए क्यूब इज 27, देन ए, यहाँ से डायरेक्ट ए का वैल्यू निकल गया। ये ट्रिक है कि जब आपको तीन पूछे तो यही लीजिएगा, जैसे आर आपका, और आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम ऑफ एस, यानी इसका मैक्सिमम चाहिए, ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, दैट इज ए एम जी एम का कंसेप्ट लगाएंगे, तो क्या इसका हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम चाहिए क्या, मैक्सिमम इट इज ऑलवेज, इसका मैक्सिमम नहीं मिनिमम चाहिए। देखते हैं ए एम जी एम का कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो यहाँ से ये आया, यहाँ से आ जाएगा ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर का पावर 1/3। ध्यान से देखिए इसके प्रोडक्ट क्या था, 27, तो डायरेक्ट 27 का पावर 1/3, यू विल गेट ऑलवेज 3, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ से आया, और 3 ये वाला 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आपका 3 यहाँ से आया, तो 3 यानी कि इसका लिस्ट वैल्यू, मैक्सिमम नहीं, इसका लिस्ट वैल्यू, इसका लिस्ट वैल्यू अगर पूछे तो इसका जो वैल्यू है, इसका s, s इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसका हमेशा वैल्यू 9 से बड़ा ही आएगा, सो इट्स लिस्ट वैल्यू, इट्स लिस्ट वैल्यू ऑफ s इज दिस। इसमें am gm का कंसेप्ट लगाएं, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो इसका am क्या होता, तीनों का डिवाइडेड बाय 3 यही, तो ध्यान से देखिए ये 3 हुआ, a बाय r प्लस a प्लस ar इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 3 इधर चला गया, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका इसी को हम s दिए, दैट इज 3, और बाद इसका प्रोडक्ट तो हम जानते हैं 27 होता है 1/3, यहाँ से आपको 3 इंटू 3, यू विल गेट s इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बाइनोमियल से, तो इसमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इन दिस एक्सपेंशन आपको वैल्यू निकालना है के का, और कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एन से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, मतलब हमको इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब उसका जो पावर हो वो इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए हम लिखेंगे टी आर प्लस 1, हम एज्यूम किए कि वो टर्म जो है आर प्लस 1 टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक्स के, एक्स का पावर 0, उसी को इंडिपेंडेंट कहते हैं, एक्स एक बाइनोमियल है वो, उसको इंडिपेंडेंट तभी कहा जाता है जब उसका एक्स का पावर 0 हो, तो एग्जैक्टली हम इस एक्सपेंशन में देख रहे हैं क्या एक्सपेंशन है, ए एक्स एक्स के पावर 1/9 प्लस बी एक्स के पावर -1/6, इसका होल पावर आपका आ जाएगा 1/10। यू विल गेट इसका, अगर आपको आर एन सी आर टर्म, ये है एन सी आर, एक्स के पावर, इसका पावर हो जाएगा बी एक्स -1/6 रेज टू द पावर आर एंड ए एक्स रेज टू द पावर 1/9, इसका पावर क्या हो जाएगा 10 माइनस आर, तो ये आपका आ गया, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 10 के,
तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, यहाँ से हमको निकलेगा k का वैल्यू हमको निकालना है। और ये कब, जब ये दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब x इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ x, x का पावर क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से ले लेंगे NCR, यहाँ से देखेंगे a, a का पावर r हो जाएगा, उधर से आ जाएगा b का पावर 10 माइनस r, ये तो कांस्टेंट टर्म है, हमको क्या करना है x का पावर जीरो। तो x का पावर यहाँ से आ जाएगा, आपकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r बाय 6 माइनस साइन, और यहाँ से आ जाएगा x का पावर x बाय 9, ये आ गया। तो यहाँ से इसका पावर आ जाएगा, x का पावर यहाँ से आ जाएगा आपका 10 माइनस r बाय 9। ध्यान से देखिए, x आपको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब x का पावर जीरो, क्योंकि x का पावर अगर जीरो हो गया तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, जिससे x रिमूव हो जाएगा। इसका जो पावर है हम क्या करेंगे, x का पावर यहाँ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जीरो करते हैं, यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस r बाय 6 प्लस 10 माइनस r बाय 9, एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ से माइनस 3, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, तो 20 माइनस 2r, यू विल गेट 5r, माइनस 5r, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 5r, डेट इज 20, r इज इक्वल टू 4, r का वैल्यू 4 आ गया, r का वैल्यू 4 आ गया जिस वैल्यू के लिए, तब r का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, जिससे अब आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो r का वैल्यू इस इक्वेशन में जब 4 रखेंगे तो ये आपका क्या है, n का वैल्यू यहाँ क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे 10, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 10c4। ध्यान से देखिए r का वैल्यू क्या है, 4, 4 प्लस 1 यू विल गेट 5, r का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया क्या, r का वैल्यू यहाँ से आ गया 4, तो r का वैल्यू यहाँ से आप अगर 4 दीजिए, टर्म होगा r 5, लेकिन यहाँ r का वैल्यू आप 4 एग्जीक्यूट कर दीजिए तो a का पावर आ जाएगा, a का पावर 4, तो b का पावर क्या आ जाएगा, 10 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 6। ये और ये तो इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी x का पावर 0 वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 10 के, यू विल गेट के, तो 10c4, a का पावर 4, b का पावर 6 बाई 10, यही आपका k का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ k इज दिस। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आपको वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से देख रहे हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, थीटा, थीटा है आपका क्या, 2π/9। तो ध्यान से देखिए, साइन 2π/9 को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस 2π/9, तो यहां से आपका आ जाएगा 18, यू विल गेट 9π माइनस 9π माइनस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2π/4, यहाँ से आपका आ जाएगा cos 5π/18। तो ध्यान से इसको हम cos में लिखेंगे, क्योंकि हमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्चुअली में ये सिंप्लीफाई है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे तो 1 प्लस, इसको cos के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन को लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, एक्चुअली में साइन थीटा ही होता है,
तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 5π/18, और यहाँ पे क्या था, प्लस आई कॉस, कॉस, और यहाँ से आपका क्या था 2 into π/9। अब ध्यान से देखिए, इसमें थीटा सब जगह चेंज कर रहे हैं, तो थीटा अगर चेंज कर रहे हैं तो इसको भी चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये अगर आपको इस थीटा को अगर चेंज कीजिएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। ध्यान से देखिए, π/2 cos π/2 θ क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो थीटा सब जगह सेम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा साइन 5π/18। ध्यान से देखिए, अब ये भी नीचे वाला भी, इसको भी हम कॉस वाले को कर देंगे, यही कॉस 5π/18, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस आई साइन 5π/18, इसका होल का पावर 3 था वो। हम लास्ट में क्या, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2θ, तो cos 2θ का क्या होता है 2 1 + cos 2θ का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आप मतलब साइन में भी लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं, 1 + cos 2θ 2 cos²θ, यहाँ से ये आ जाता है। तो यहाँ से 2θ थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हाफ एंगल में अगर चेंज हुआ तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 cos 5π/36। ये क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, एंगल घट गया, थीटा है, थीटा 2/2 हो जाता है, और 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, प्लस आई, अब ध्यान से देखिए, इसमें लिख सकते हैं 2 sin a 5π/18 × cos π/30, इसको भी 36 लिख देते हैं, 36 एग्जैक्टली, इसको भी लिख देते हैं 5π/36, 2 sin a × cos b, साइन 2a, तो साइन 2a यहाँ पे आ जाएगा, तो जो कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2 cos², 2 cos²π/36, एग्जैक्टली ये भी हो जाएगा 2 cos², 5π/36, यहाँ पे बस नेगेटिव साइन आएगा, बाकी जो ऊपर चल रहा था वही चलेगा, 2 sin 5π/36 × cos 5π/36, तो यहाँ से ये आ गया। अब ये आ गया, अब ध्यान से देखिए, पूरे टर्म में 2 cos π/5, 2 हर जगह कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 5π/36 हर चीज में कॉमन है तो ये दोनों कॉमन है तो कैंसिल कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे नीचे, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ cos 5π/36 बच जाएगा, क्योंकि एक cos, ध्यान से देखिए, ये ऊपर और नीचे में क्या कॉमन है, कॉमन है अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 cos 5π/36, ये आपका कॉमन है, तो ये कॉमन है तो ऊपर p इससे डिवाइड, नीचे भी डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ये देखिए cos, और उधर क्या बचेगा, प्लस i sin 5π/36, एग्जैक्टली ये बचेगा ऊपर, एग्जैक्टली यही नीचे भी बचेगा, बस साइन डिफरेंट हो जाएगा, 5π/36 माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन 5π/36, ये आ गया आपका ये। अब इसका पावर क्या है, इसका पावर 3 है, आप ध्यान से देखिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज वाला हम वर्ड यूज करेंगे, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको जितना आप सिंपल कीजिए प्रॉब्लम उतना सिंपल हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखें, रेशनलाइज हमेशा बेस का होता है, इसका हम किससे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos 5π/36 प्लस
आई साइन 5π/36। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली यही चीज़ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई कर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 5π/36 प्लस आई साइन 5π/36 के पावर हो जाएगा, पहले से 3 था एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एक्चुअली में ये 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ये 2 था इसका होल का पावर क्या था 3, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 6 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा इसका जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5π/36 माइनस, तो आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली माइनस हो जाता है, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर 5π/36। एक्चुअली में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है -1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल 1 आ जाएगा। अब जो वैल्यू है इसका वही आएगा, ध्यान से देखिए तब क्या आया आपको, अब सिंपल ही हो गया ये कॉस 5π/36 प्लस आई साइन 5π/36 का होल का पावर 6। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, ये देखिए जो पावर है आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कॉस 5π/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंगल में, याद रखिए डिमॉर्गन्स लॉ कहता है साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जब रहे इसका पावर अगर समझिए कि एन रहे तो एन क्या हो जाता है थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाता है, तो यही थीटा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/6 माइनस ये प्लस आई साइन 5/6 5/6 यानी इसका जो वैल्यू है पाई, पाई से कम है पाई माइनस 5/6, ये 5π/6 है यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, और पाई बाय सिक्स एक्चुअली में पाई बाय सिक्स कितना हो जाता है 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय कॉस पाई माइनस ये लिखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है तो ध्यान से देखिए कॉस पाई माइनस थीटा यहाँ से आ जाएगा कॉस माइनस पाई बाय सिक्स, तो यहाँ कॉस 30 का वैल्यू यू नो डैट -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, एग्जैक्टली साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा प्लस आई √3/2, तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आया अगर यहाँ से आप ये देख लीजिए ये आ गया, यही आपका आंसर आ गया, सो योर आंसर इज दिस, सिंपल सा बात है, आप फॉर्मूला सिंपली आप लगा लीजिएगा, दैट्स क्लियर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, आइए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वेक्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, एक प्लेन का इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट और एक और पॉइंट से पास करता है, वो पैरेलल है इस प्लेन के पैरेलल है, तो उसको आपको प्लेन का इक्वेशन मतलब प्लेन का इक्वेशन निकाल लीजिएगा, तो चार को आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और वो चारों को सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन निकलेगा आपको चार पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट हमें यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, चार ऑप्शन में चार अलग अलग पॉइंट है, तो पहले अगर आपको प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा तो ऑप्शन पुट करके सेटिस्फाई करवा लेंगे, लेकिन हमको पहले प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है सो लेट एज्यूम कैपिटल ए एंड हम स्मॉल ए लेते हैं, कैपिटल ए में स्मॉल ए x-2 प्लस बी, बी से पास कर रहा है तो y-1
एग्जैक्टली सी जेड माइनस टू, एक जेड को थोड़ा सा इस टाइप से, वरना जेड और टू दोनों सेम ही दिखता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, और पासेस थ्रू वन टू वन, इससे पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से वन रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, प्लस बी, बी रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वन, यहाँ से आपका सी इंटू, ये भी आपका आ जाएगा माइनस वन। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, क्या आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा ए राइट साइड ले जाएंगे, सी को भी राइट साइड, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये आपका पहला इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, आपको निकालना है ए बी सी का वैल्यू, तीन इक्वेशन, तो एग्जैक्टली हमको तीन वेरिएबल भी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एक ये, और उसके बाद हम एक इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से देखते हैं, इसके पैरेलल है किसके, 2x बराबर 3y और एक z बराबर, तो z माइनस वन बराबर जीरो। इसको ध्यान से देखिए, इस टाइप से तीनों को इक्वेट कर दिए। अब ध्यान से लिखेंगे कि x का जो कॉफिशियंट होता है, इसको स्टैंडर्ड मेथड में लिखेंगे, x का जो कॉफिशियंट होता है वो वन होता है, y का जो कॉफिशियंट होता है वो भी वन होता है, तो जबकि यहाँ थ्री है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे इसको इस तरीके से लिखेंगे x, देखिए यहाँ z का कॉफिशियंट वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से x का कॉफिशियंट लिखेंगे वन बाई टू लिख सकते हैं इसको, एग्जैक्टली y वन बाई थ्री इसको लिख सकते हैं, और ये तो z माइनस वन है ही, इसका कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं रहे तो जीरो समझना जाता है, वरना यहाँ देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा x, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बाई थ्री डेट इज इक्वल टू y बाई टू, और यहाँ से z माइनस वन बाई टू, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया और एक इक्वेशन आपको यहाँ से आ गया, तो आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पैरेलल है तो दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, जब दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए, इस प्लेन का आपको क्या निकल गया, ये मतलब आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन आपको निकल गया, यहाँ पे ए बी सी हम पहले से ज्यूम किए हैं, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको और आ जाएगा, एक इक्वेशन आपका क्या आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आपका और आ जाएगा, इसको डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपका एक इक्वेशन और आ जाएगा, इसमें z बराबर, हाँ तो c वाला टर्म यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, c वाला टर्म यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू, इसको माइनस बी को इधर ले लेते हैं, डेट इज इक्वल टू जीरो, माइनस बी को माइनस, अब ए का इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 है, एग्जैक्टली बी का करेंगे तो माइनस 2b, सी का करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ से एक इक्वेशन और आ गया, तो यहाँ ए बी में एक रिलेशन आ गया, ए बी सी तीनों का वैल्यू और एक इक्वेशन आपको और मिल जाएंगे, ए बी सी, ध्यान से देखिए, अब ए बी सी का वैल्यू अगर आ गया तो यहाँ से हम इसमें अप्लाई कर देंगे बी सी, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, तो हम पासिंग थ्रू करवा देंगे, दो आपका यहाँ से भी वैल्यू दिया गया है, एक तो ये, यहाँ से एक इक्वेशन और आ गया, और आपका अब प्लेन का हमको इक्वेशन निकालना है, आइए आपको निकालेंगे, एक यहाँ से ये आया, अब हम इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू से हम निकालेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, ये डीआरडीसी का, अब हम इसका निकालेंगे इसके साथ, एक यहाँ है और एक आपका आया है ए प्लस सी
माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो जब इसको हम इस तरीके से निकालते हैं तो याद रखिएगा आप इसको ऐसे डिटर्मिनेंट टाइप यूज कीजिए, 3 2 0। यहाँ से क्या था, यहाँ से आपका था 1 कोफिशियंट, 1 बी का माइनस 1, एग्जैक्टली सी का 1। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू आप निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ए का, ए को छोड़िए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। एग्जैक्टली हम बी का करेंगे तो बी वाला ये वाला गया, तो यहाँ से बी दैट इज 3। अब अगर हम सी का निकालेंगे, सी वाला गया तो बाकी बचेगा यहाँ से माइनस 3 और ये माइनस 2। यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो ए का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाता है, ए का वैल्यू आ गया 2, एग्जैक्टली ए बाई 2, बी बाई 3 और सी बाय 5 माइनस 5। तो यहाँ से ए बी सी तीनों का आ गया। अब ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, एक्चुअली इक्वेशन आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से 2 आया, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू माइनस 5। इक्वेशन में रख देंगे इससे ये इक्वेशन का आ जाएगा। पुट कर देते हैं ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए का यहाँ से 2 आया तो 2 एक्स माइनस 2, बी का यहाँ से आ रहा है 3 इंटू वाई माइनस 1, सी आ रहा है यहाँ से माइनस 5, तो इसको लिख देते हैं माइनस 5 जेड माइनस 1। तो यहाँ से आपका आ जाता है 2 एक्स प्लस 3 वाई माइनस 5 जेड, यहाँ से माइनस 4 माइनस 3 प्लस 5। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू, यहाँ से 4 3 7, हाँ तो माइनस 2। ये आपका आ गया ओवरऑल इक्वेशन, इक्वेशन आ गया, पॉइंट सेटिस्फाई करवा लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।